સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની 5 વિધાનસભા સીટ કબજે કરવા કોંગ્રેસ દ્વારા પણ કવાયત હાથ ધરવામાં આવી। આજે સુરેન્દ્રનગર સર્કિટ હાઉસ ખાતે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પ્રભારી અને રાજસ્થાનના મંત્રી શકુંતલા રાવત દ્વારા ચૂંટણી લડવા ઈચ્છુક ઉમેદવારો તેમજ જિલ્લા કોંગ્રેસના આગેવાનો સાથે બેઠક યોજવામાં આવી હતી। बिल्कुल, हम गुजरात में जैसे अहमदाबाद है और कल वडोदरा और ये सुरेंद्रनगर, हम सभी जगह आए तो देख रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर हर जगह हम जहाँ जहाँ पर भी रुके, किसी चाहे चाय की दुकान पे रुके, चाहे कोई गांव में गए, कई ऐसे यहाँ पर छोटे छोटे गांव के जो ढाणियाँ सी बनी हुई हैं, अब हमें नहीं पता आपके गुजराती भाषा में क्या कहते हैं, तो वहाँ हम जहाँ भी गांव में जाकर के हमने देखा तो वहाँ पर सभी से बातचीत करी तो पूरे गुजरात में एक कांग्रेस में एक माहौल दिखाई दे रहा है हमें। और सभी जो ग्रामीण हैं जो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल हम जो कांग्रेस की जो योजनाएं थी जो कि मनमोहन सिंह जी के काल में जो हमारी योजनाएं थी, चाहे नरेगा योजना है, चाहे जननी सुरक्षा योजना है, खाद्य सुरक्षा योजना है, तो ऐसी योजना सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही ला सकती है। तो गुजरात में एक माहौल अभी इस वक्त में क्रिएट है कि सब लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहते हैं और सभी जो जनता है यहाँ भी हम जितने लोगों से मिलते हुए आ रहे हैं तो उनकी मांग है कि भाई यहाँ के जो हमारे जिले का आदमी है उसे ही टिकट दिया जाना यहाँ पर चाहिए और जिले के जो व्यक्ति को जब टिकट मिलेगा तो हम उसे यहाँ पर जिता करके भेजेंगे, क्योंकि जो पहले जिनको टिकट दिया था और हमने यहाँ से जिता के भेजा, मुझे खुशी है कि इधर से ज़्यादा इस ज़िले से कांग्रेस पार्टी के ही विधायक जीत कर गए थे। लेकिन आप देखते हैं कि किस तरह से बीजेपी सरकार जो भारत सरकार है वो राज्यों में जा कर के किस तरह से MLAs को एक लालच लोभ दे कर के अपनी तरफ करना, तोड़ना, सभी जगह सरकारें गिराने का जो एक काम चल रहा है उनका, तो उन्होंने इसी तरीके से गुजरात में भी हमारे जो कांग्रेस पार्टी के MLAs से कईयों को इस तरीके का जो भी आप देख रहे हैं देखते आ रहे हैं कि किस तरह से वो उन MLAs को खरीद फरोख्त करके या अपने तरीके से कैसे कांग्रेस पार्टी से या अन्य पार्टियों से भी तोड़ने का वो प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान में तो हम लोग उनके लालच में आए नहीं और हमारी सरकार आज भी है, राजस्थान सरकार कांग्रेस सरकार है। मैं आपके यहाँ सभी से भी ये भी एक कहना चाहूँगी कि राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी हैं, तो वो वहाँ इतनी अच्छी हमारी योजना है, चाहे किसान के लिए हो, चाहे छात्र छात्राओं के लिए हो, चाहे कर्मचारियों के लिए हो, चाहे व्यापारियों के लिए हो, एक एक योजना हमारी, चाहे कोरोना का जो प्रबंधन रहा हमारा राजस्थान का, राजस्थान सरकार कांग्रेस पार्टी का सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कि मेरे यहाँ कोई भी भूखा नहीं सोएगा, कोई पैदल नहीं चलेगा, निरोगी राजस्थान है, चिरंजीवी योजना है, किसान मित्र हमारी योजना है, उड़ान योजना है, ओल्ड पेंशन है, RGSH है, जो कि हर वर्ग को टच करने वाली योजना कांग्रेस पार्टी की योजना है। तो ऐसी योजनाएं गुजरात में भी आम व्यक्ति को मिले, किसान को मिले, युवा को मिले, व्यापारी को मिले, कर्मचारी को मिले, इसलिए आप सभी को इस बार गुजरात वासियों को दमदारी से कांग्रेस लानी है। अगर मुद्दा उठा करके देखें कि बीजेपी सरकार के जो एक आम व्यक्ति त्रस्त है कि किस तरह से बेरोजगारी है, महंगाई एक सबसे बड़ा एक पूरे देश का जो मुद्दा है कि महंगाई किस कदर बढ़ रही है, जबकि जब भारत सरकार बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी भारत देश में तो बड़े बड़े मंचों से भाषण दिए गए थे कि महंगाई को हम जड़ से ख़त्म कर देंगे, बेरोजगारी को भी जड़ से ख़त्म कर देंगे, काला धन लाएंगे, तो ये जो इस तरीके के लोग लुभावने भाषण दिए थे, नहीं तो काला धन आया, नहीं महिलाओं के खाते में पैसा आया और नहीं रोजगार दिया गया, और महंगाई तो आप देख रहे हैं कि जो एक सिलेंडर कितना 450 रुपये में आता था, आज 1000 से ऊपर एक रसोई का गैस सिलेंडर आ रहा है, तो आम जो हमारी जो वस्तुएं हैं घरेलू वो किस तरह से महंगाई आज शीर्ष पर पहुंच रही है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, युवाओं के लिए बेरोजगारी का मुद्दा है कि कितने को रोजगार दिया उन्होंने, खास करके जो आप आम आदमी पार्टी है जो
इलेक्शन में आ रही है, तो क्या इसमें? अब पार्टियां तो बहुत सारी आती हैं, तो कोई भी कैसे भी आ सकती है, लेकिन जो गुजरात का आज का माहौल हमने देखा, सब अधिकतर जिलों में भी हम लोग गए हैं तो वहाँ देखा है, तो सब लोग कांग्रेस को वोट देने का इच्छुक है। कांग्रेस के पड़ोसी राज्य राजस्थान की योजनाओं को लेकर के, मनमोहन सिंह जी की योजनाओं को लेकर के कांग्रेस के लिए ही वोट करने का इच्छुक है यहाँ का, और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी।